नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और इसे आप नोट्स भी कह सकते हैं, इसे आप नोट भी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, हम इस अध्याय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे लास्ट में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में एक बेल बटन है वो ज़रूर दबाएँ, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स यानी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँच जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन गिवन है, वहाँ पर आप अपनी बात को लिख दें, और आपके अगर कोई भी सलाह हो, सजेशन हो, वो आप हमें हम तक पहुँचाएँ, उसके रिगार्डिंग जो भी हो सकेगा मैं समाधान करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप में क्या था कि रोमन और जो शुरू के पहले साम्राज्य थे, रोमन तथा यूनानी साम्राज्य, उसके बाद का जो समय रहा लगभग 1000 वर्ष, वो कुछ उन्नति का नहीं रहा, तो इसीलिए उसे अंधकार युग कहा गया। उसके बाद 14वीं से 16वीं शताब्दी तक एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। इसी समय मुद्रण आविष्कार से छपी पुस्तकें दूर दराज नगरों व देशों में बड़ी संख्या में और कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। दोस्तों, यूरोप वासियों ने ये जो मुद्रण की प्रणाली है इसको सीखा था चीनियों और मंगोलों के छापे खानों से, उनके तकनीकी से। यानी यूरोपवासी जब व्यापार करने मंगोल और चीन जाया करते थे, तो वहाँ से जो है उन्होंने वो प्रक्रिया सीखी और बड़े स्तर पर पुस्तक छापना जो है शुरू किया यूरोप में, जिससे यूरोप का जो ज्ञान है, जो उसकी वास्तुकला है, जो उसका समाज है, वो दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचने लग गया। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म होता है। यूरोप में कुछ ऐसे विचारों का आगमन हुआ जिससे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे समाज में पुनर्जागरण हुआ। उदाहरण के तौर पे पहले जो है सिर्फ चर्च के नियम कानून के तहत समाज चलता था, लेकिन पुनर्जागरण का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हुए और समाज में ऐसे विचारों का पुनरुद्भाव हुआ, जिसके द्वारा लोग जो है चर्च की उन रीतियों रिवाजों को मानने से इनकार करने लग गए जो मानव को आगे नहीं बढ़ने देती थी। इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों, अब देखिए मानवतावादी किसे कहते हैं ये समझें आप पहले। इटली में उस समय जो मानवतावादी शब्द इतिहासकारों ने इस्तेमाल किया है वो था मुख्य रूप से कि जो टीचर इतिहास, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, कविता और व्याकरण पढ़ाते थे, उनको हम मानवतावादी कहते थे। यानी वे लोग जो इन चीज़ों का अध्ययन करते थे या इससे संबंधित थे, उन्हें हम मानवतावादी कहते थे, और वो नए विचारों को मानते थे और चर्च की शायद चीज़ों को कम मानते थे। मानवतावादी लोग का तर्क था कि मध्य युग में चर्च में लोगों की सोच को इस तरह जकड़ कर रखा है था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। यदि ये मानवतावादी ऐसा मानते थे कि चर्च के जो नियम कानून थे वो उसी में बस लोग रह गए थे और अपने आप जो है नई चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता खो चुके थे, तो मानवतावादियों ने शुरू किया नई चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता विकसित करके। बेल्जियम मूल के एंड्रूज वेसिलियस, ये एक आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर को चीरफाड़ प्रारंभ की। मानवतावाद में अच्छे व्यवहार, विनम्रता से बोलने और पहनावे को मानसिक दक्षता पर बल दिया। यानी मानवतावादी लोगों ने कि किस प्रकार से कपड़े पहने जाएं, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए और किस प्रकार से समाज में व्यवहार किया जाए, इस चीज़ पर मानवतावादी लोगों ने काफ़ी जोर दिया। उसका जब हम बात करते हैं उस समय के और समाज में औरतों की क्या स्थिति थी, तो औरतों को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। उस समय यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच औरतों को सिर्फ कारोबारी रिश्ते अच्छे करने के लिए जाना जाता था। यानी दहेज के रूप में बहुत ही बड़ी रकम ली जाती थी, जिसका उपयोग कारोबार
तैयार करने में, कारोबार को आगे बढ़ाने में या नए कारोबार को स्थापित करने में किया जाता था, परंतु औरतों को इसमें कोई भी सलाह देने या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो ये जो है उस समय के समाज को दिखाती है कि औरतों को आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से वो अधिकार प्राप्त नहीं था जो आज के युग में है। कहने का मतलब ये है कि उस समय सिर्फ औरतों को घर संभालने और बच्चे पालने और घर के कामकाज के लिए ही जाना जाता था। फिर भी कुछ एक ऐसे हुए, हम जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ एक ऐसी औरतें भी हुई, यानी कि ऐसी महिलाएं भी हुई जिन्होंने उस समय भी अपने ज्ञान से लोगों को अचंभित किया। अरबों ने प्लेटो को अफलातून और एरिस्टोटले को अरस्तु कहा था, यानी सिकंदर के जो गुरु थे एरिस्टोटले, उनको अरब लोगों ने अरस्तु कहा था। हुआ ये था दोस्तों कि जो यूनान और जो रोम साम्राज्य था, उसकी जो साहित्य कला थी, उसकी जो पांडुलिपियाँ थी, उसको कन्वर्ट किया था, अनुवाद किया था अरबी भाषा में अरबी विद्वानों ने, और इसीलिए वो सारी चीज़ें रोम और यूनान की सारी वस्तुओं को और सारे विचारों को जानते थे। और जब अरब दोबारा से यूरोप के साथ व्यापार उन्होंने शुरू किया और फिर उनके विचार जब पहुँचे यूरोप में, तो यूरोप वासियों को ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जो संस्कृति है वो इतनी विशाल है और इतनी जो है समृद्ध है। तो उन्होंने जो है अरबी की जितनी भी अरबी में पुस्तकें थीं उन सबका अनुवाद करवाया अलग अलग भाषाओं में, यूरोपीय भाषाओं में, और फिर जो है एक तरह से लोगों के बीच में पुनर्जागरण का विचार शुरू हुआ। तो मार्टिन लूथर के समकालीन कॉपरनिक्स जो थे, उन्होंने यह खोज कर बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और उस समय इस चीज़ का बहुत बहुत बड़े स्तर पे जो है बहिष्कार हुआ था। चर्च ने साफ मानने से इनकार कर दिया था। उनका मानना ये था कि जो संसार है उसके केंद्र में यूरोप है और चर्च जो है वो सर्वोपरि है। तो मानवतावादी मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए, ऐसा मानना था मानवतावादियों का। जबकि चर्च इससे उल्टा मानता था। चर्च ये मानता था कि जो भी मानव के लिए बनाए गए हैं नियम, वो नियम कानून पहले से तय हैं और उसी के अनुसार मानव को अपना जीवन बिताना चाहिए। लियोनार्डो द विंसी एक ऐसे कलाकार थे जो सभी, यानी कि जो वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक में विस्तृत ज्ञान रखते थे, और इन्होंने ही मोनालिसा और दी लास्ट सप्पर जैसे चित्रों की रचना की थी। तो ये उस समय बहुत ही प्रसिद्ध जो है चित्रकार और यूं कह लें कि बहु प्रतिभा के धनी थे। अब बात करते हैं जर्मन की। तो जर्मनी में सबसे पहले जो है यूरोप में छापे खाने का निर्माण हुआ, और जिसकी वजह से यूरोप में एक तरह से क्रांति आ गई पुनर्जागरण के। तो जर्मन निवासी जोहेनेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। उसने सर्वप्रथम बाइबिल की 150 प्रतिमा छापी। दोस्तों ये बता दूं कि पहले जितना समय लगता था एक प्रतिकृति को छापने की, बाइबिल की एक पुस्तक बनाने की हाथ से पांडुलिपि से, उतने ही समय में 150 प्रतिमा यानी 150 प्रतियाँ जो है छापी गई। किसकी? बाइबिल की। तो इससे जो है कि रफ्तार बढ़ गई और आने वाले समय में और बढ़ती चली गई। इंग्लैंड के शासकों ने रोम के पोप से संबंध तोड़कर वे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए और उन्होंने अपने नियम कानून अलग से बना लिए। इस्लाम धर्म के अंतर्गत मतभेद, पाप स्वीकारोक्ति, दस्तावेज और चर्च द्वारा लगाए गए नए करों का विरोध जो है मुख्य रूप से ये चर्च मतलब बाद के समय में ये रहे। यानी कि चर्च में जो है पोप क्या करते, जो पादरी होते थे वो क्या करते थे कि जितने भी लोग थे उनको उनको पाप स्वीकारोक्ति करवाते थे। ये कहते थे कि आपने जो पाप किए हैं आप कुछ शुल्क देकर चर्च में अपने पाप को स्वीकार कर सकते हैं और आप इस तरह से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि आप जो भी आपने पाप किए हैं वो आपके पाप मतलब समाप्त हो जाएंगे। तो इस रूप में जो चर्च है वो काफ़ी मोटी रकम लेता था, जिसकी जो है बाद में आलोचना की गई। और चर्च द्वारा लगाए गए दुनिया भर के कर थे किसानों पर और भी कई लोगों पर, और उनको अधिकार प्राप्त था पहले से कि वो कर लगा सकते हैं। वो 1/10 लगाते थे, यानी कि फसल का 1/10 भाग तक कर लगा सकते थे। उसके बाद बात करते हैं कैथोलिक चर्च के, कि कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए। और मतलब अब क्या हुआ था कि यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो चर्चों को भी ऐसा लगने लग गया कि
हमें भी थोड़े बहुत विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है अब मानवतावादी दृष्टिकोण की तरफ आकर्षित होने लगे थे। तो कैथोलिक चर्च ने भी अनेक सुधार किए, सादे जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। गैलीलियो ने इटली का एक महान वैज्ञानिक, जो कि एक महान वैज्ञानिक था, उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में अपने आप को देखना, यहाँ पे दो लाइनें मिल गई हैं सॉरी, यानी कि जो गैलीलियो थे आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जो गैलीलियो गैलीली थे वो इटली के थे और वो एक महान वैज्ञानिक भी थे। सबसे पहले उन्होंने दूरबीन का इस्तेमाल करके बृहस्पति ग्रह को देखा था और ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक भाग है और हम जो है केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है, यानी संसार के केंद्र, यानी जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र जो है उसका केंद्र वो सूर्य है। तो इस तरह से जो है कि उन्होंने विज्ञान की शुरुआत कर दी थी यहाँ से। और यहाँ पर खगोल शास्त्र के अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में अपने आप को देखने लगे, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्वतंत्र नगर थे उस समय जो कि अपने आप को अलग राज्य महसूस करने लग गए थे। और यहाँ पर सामंतवादी प्रथा भी बहुत कमज़ोर थी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्भव हुआ, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्रों का उद्भव हुआ जो अपने आप चलाते थे और जिस पर किसी सामंत का या किसी राजा का अधिकार नहीं होता था। बाद में बात करते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों में मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। क्या था, एक जो इटली का जो भौगोलिक दृष्टिकोण था वो कुछ इस तरीके का था कि जब पश्चिमी यूरोप में व्यापार करना होता था, कहाँ से, मंगोल और चीन से जो इस्लामी देश थे, वहाँ से पश्चिमी यूरोप जाने के लिए सभी व्यापारियों को बीच में एक जो है रुकने की जगह चाहिए थी। तो इटली जो है बीच में पड़ता था समुद्र में, भूमध्य सागर में, वहाँ पर वो लोग उतरते थे। और इटली क्योंकि उसकी दोनों तरफ, तीन तरफ से उसकी सीमा रेखा है समुद्र में, तो उसके बंदरगाहों पर सारे जो हैं जो रेशम मार्ग से जो व्यापार होता था वहाँ पर वो रुकते थे इटली के बंदरगाहों पे। और इटली के बंदरगाहों पे बहुत सारे नगर बस गए थे जिसमें एक रोम भी था, रोम, वेनिस, जिनेवा और मांटुआ, और ये मतलब और भी हैं बहुत सारे। तो ये सारे नगर जो है बहुत फले फूले और यही कारण था कि इटली में पुनर्जागरण हुआ और ये जो है क्षेत्र दोबारा से समृद्ध हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन दिया, वहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।